17 अक्टूबर 2024 वार की यदि बात करें तो बृहस्पतिवार आज सरसों के बाजारों की आवक 3.75 लाख बैग देखने को मिली। बाजार स्टेबल रहे। जयपुर कंडीशन 6725 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। खड़ 2500 रुपये के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर भरतपुर मंडी 6380 रुपये के बाजार रही। खैरतल मंडी के भाव की बात करें तो खैरतल मंडी आज 6410 रुपये बिकती हुई नजर आई। 6410-20 के आसपास ही निवई काम करती हुई नजर आ रही है। 6400 के आसपास टोंक के बाजार रहे हैं। वहीं मालपुरा 6500 के बाजार देखने को मिले। अलवर की बात करें तो 6450 रुपये की स्थिति। बड़ौदा में 6500 रुपये के बाजार मरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर खेरली भी 6380 रुपये के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई है। कोटा बारा की बात करें तो 6300-6320 रुपये के बाजार आज रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें केकड़ी और सुमेरपुर की तो वहाँ पर जो मील डिलीवरी के सौदे हैं वो 6600 रुपये के आसपास होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए मेड़ता मंडी 40 लाख 5900 रुपये बिकती हुई नज़र आई है। तो ये स्थिति आज के दिन वहाँ के बाज़ारों में देखने को मिल रही है। हरियाणा के बाज़ारों का रुख करें तो हरियाणा के बाज़ारों में आज जो दादरी की स्थिति है वो 6500 रुपये, भिवानी 6450 रुपये, सिवानी 40 लाख 6200 रुपये के बाजार है। मील डिलीवरी के बाजार है 40 लाख के। दूसरी ओर रेवाड़ी के भाव की बात की जाए तो 6500 रुपये मंडी बिकती हुई नज़र आ रही है। वहीं यदि हम बात करें सिरसा आदमपुर 6048 रुपये के बाजार आज सरसों के रहे हैं। तो ये स्थिति आदमपुर में भी आज देखने को मिल रही है। प्लांटों के भाव में गोयलकोटा 6650 रुपये के बाजार रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम सलोनी प्लांट के भाव की बात करें तो वहाँ पर शमशाबाद दिगनेर और मुरैना 7500 रुपये, अलवर और कोटा 7400 रुपये के बाजार देखने को मिल रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें अडानी 6825 रुपये के बाजार है। तो कुल मिलाकर अडानी प्लांट के अलावा किसी भी प्लांट में आज तेजी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी बाजार स्टेबल ही रहे, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं रहा। KLC में 34 रिंगट की गिरावट देखने को मिली है।